जब महर्षि कण्व आश्रम में लौटे तो उन्हें शकुंतला के विवाह की बात पता चली। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दो शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेज दिया। रास्ते में एक जगह शकुंतला को प्यास लगी। उसने साफ पानी से भरे एक तालाब से लेकर पानी पिया। पानी लेते समय उसकी अंगुली से राजा की दी हुई अंगूठी तालाब में गिर गई। शकुंतला को इसका पता भी न चला। जब शकुंतला राजा के दरबार में पहुंची तो दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने उसे नहीं पहचाना। शकुंतला ने कहा, आपकी दी हुई अंगूठी मेरे पास है। यह कहकर उसने अंगूठी दिखानी चाही, लेकिन उसका हाथ तो खाली था। यह देखकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। वह दरबार से बाहर आ गई। उसी समय मेनका उधर आ गई। उसने शकुंतला को रोते देखा तो उसे अपने साथ ले गई। मेनका कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला भी वहीं रहने लगी। शकुंतला की अंगूठी को एक मछली निगल गई थी। एक दिन वह मछली एक मछुए के जाल में फंस गई। मछुए ने जब उसका पेट चीरा तो अंगूठी बाहर आ गई। वह उस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार ले गया। वहां उसे कोतवाल ने देख लिया। अंगूठी पर राजा का नाम देखकर उसने वह अंगूठी ले ली और राजा के पास भेज दी। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला के साथ उसके विवाह की याद आ गई। तब राजा ने शकुंतला को